नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज़। पहली बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर एक भारतीय मूल के छात्र की हत्या कर दी गई। 26 साल का आदित्य, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है, जो ओहियो में सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दरअसल पुलिस को इसकी डेड बॉडी कार के अंदर से बरामद हुई है। एक कार का एक्सीडेंट आदित्य की कार से होता है, लेकिन जब देखा गया तो आदित्य की साइड यानी कि ड्राइविंग साइड पर खिड़की पर 3 गोलियों के निशान थे, यानी कि टारगेट किया गया, आदित्य को जान से मारा गया है। अभी तक इस पूरे सिलसिले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस इस चीज़ की तलाश कर रही है। पुलिस को गाड़ी के अंदर से शव मिला है। सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में ये छात्र पढ़ाई कर रहा था और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आदित्य अदलखा इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो कि अपनी कार के अंदर मृत पाया गया। अगला मामला टेक्सास से आया, जहां पर कैली रेने मदीना नाम की एक 26 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि ये एक 60 साल के बुजुर्ग के घर पर जाकर हमला बोल देती है, यानी कि एक शख्स जिससे ये डेटिंग ऐप पर मिलती है, एक ब्लाइंड डेट पर जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद होता है। इतना ही नहीं, इस महिला ने इस बुजुर्ग की आंखों में डिटर्जेंट डाल दिया, जिसके बाद उसे ब्लाइंडनेस होने लगी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिलते हैं, जिसके बाद जो बुजुर्ग है वो इस महिला को $2,000 देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद महिला को गुस्सा आ जाता है और वो उस बुजुर्ग पर हमला कर देती है, उसके अपार्टमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके ऊपर उसके आंखों पर भी डिटर्जेंट डाल देती है। पुलिस ने फिलहाल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान एम्बेसी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये लेटेस्ट खबर सामने आई है। अफगानिस्तान एम्बेसी का कहना है कि भारत की तरफ से लगातार आ रही चुनौतियों की वजह से इस एम्बेसी को बंद कर दिया गया है। जितने भी डिप्लोमैट्स इस एम्बेसी में मौजूद थे वो देश छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। 22 साल से ये एम्बेसी यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अब ये एम्बेसी स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इसके बाद अगस्त 2021 के बाद से भारत में अफगान समुदाय की संख्या लगभग आधी हो गई है, क्योंकि बहुत से अफगान शरणार्थियों, छात्रों और व्यापारियों ने देश छोड़ दिया है और बहुत ही सीमित नए वीज़ा जारी किए गए, यानी कि कई लोग, यानी कि वो आबादी अब आधी हो गई है जो पहले यहाँ पर भारत में रह रहे थे। कई लोग अब ये देश छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। अगली बड़ी खबर आयरलैंड के डबलिन से आई, जहां पर स्कूल के बाहर हमला किया गया है, लोगों पर हमला किया गया है, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला घायल हुए। जो रिपोर्ट अभी तक आई है उनमें से अभी तक 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 साल का बच्चा और एक 6 साल की बच्ची भी शामिल है। अडल्ट के नाम पर एक महिला है जिसमें इसको गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक आयरिश नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसमें शक हुआ है, वो अभी पुलिस की हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा लोगों में इतना आक्रोश, लोगों में इतना गुस्सा है कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी गाड़ियाँ थी उनमें आग लगाई गई, भगदड़ मची, मतलब माहौल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। उन बच्चों का इलाज चल रहा है, उन महिला का भी इलाज कराया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर चाइना से आई है, जहां पर चीनी मीडिया के मुताबिक बच्चों के स्कूल्स में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है, जिसके चलते स्कूल्स को भी अभी बंद कर दिया गया है। कोई भी स्कूल अभी नहीं खुल रहा है। ये बीमारी बच्चों के अंदर पैदा हो रही है और इसे अभी जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी जाँच कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की बीमारी है। इसके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कि पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज़ बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया कि चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी है। ये बीमारी बच्चों को अपना टारगेट बना रही है, तभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। और जितने भी बच्चे हैं, 500 मील के दायरे में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।